भारतीय सेना पर पाकिस्तान द्वारा घात लगाकर किए गए कायराना हरकत से एक तरफ जहां पूरा देश आक्रोशित है, तो वहीं महानगर में विभिन्न संगठनों, युवाओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और पूरे जनमानस में आतंकवाद और आतंकवादी देश पाकिस्तान के खिलाफ घर आक्रोश है। पूरा देश गुस्से में है। देश पाकिस्तान को अब माफ़ नहीं करना चाहता है, उसका सिर्फ सर्वनाश करना चाहता है। रविवार को गोलघर स्थित चेतना तिराहे पर सभी नागरिक इकट्ठा हुए और मोमबत्ती जलाकर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। नागरिकों ने शहीदों की मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। युवाओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। नागरिकों ने मांग किया कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आक्रोशित नागरिकों ने कहा, पाकिस्तान चोर है, पाकिस्तान चोर है। बेसिक शिक्षा परिषद से हैं। मेरा नाम सुषमा त्रिपाठी है। अमर शहीदों के लिए दीपदान किया है और साथ ही कैंडल मार्च भी उनके लिए निकाला और हम लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसका इस कुकृत्य के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हम लोग अपने सरकार से मांग करते हैं कि जो भी हमारे अमर शहीदों के लिए पाकिस्तान ने जो भी किया है उसके विरोध में कुछ न कुछ सरकार करे, नहीं तो जनता इसे भी भीषण रूप देखने को मिलेगा। मेरा नाम नुसरत जहां है, मैं प्राथमिक विद्यालय टिकवा पाती में सहायक अध्यापिका हूं। पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है इसकी वजह से हम लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और हमारा बस नहीं चल रहा है कि हम क्या कर डालें। जब हमारी ये हाल है तो उन सैनिकों की, उनके घर वालों की, उनके बीवी बच्चों की क्या हाल होगी। उन्हीं के लिए सर हमारा चार लाइन का ये शेर है, अगर है जोन ताकतवर तो खुलकर सामना कर तू, जो खुलकर सामना करते हैं उनको मर्द कहते हैं, अगर औकात है तो सामने से क्यों नहीं आता। ए पाकिस्तान सुन ले, हम तुझे नामर्द कहते हैं। प्रवीण चंद्र मिश्र, देश के जवानों को ब्रह्मभट्ट कल्याण परिषद की तरफ से उनके देश की खातिर अपने प्राणों का जो बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बिना किसी स्वार्थ के। हम लोग चैन से अगर सोते हैं तो सीमाओं पर अपने देश के उन जवानों की वजह से सोते हैं जो हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं, प्राणों की प्रत्येक क्षण आहुति देने के लिए तैयार हैं। आज उन जवानों को ब्रह्मभट्ट कल्याण परिषद की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि शासन और सत्ता में बैठे लोग अब जागेंगे और जो कुछ भी देश में हो रहा है हम करेंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे। यह केवल सैद्धांतिक रूप से कहने से कार्य नहीं चलेगा। मोदी जी को निश्चित रूप से कुछ क्रियाकलाप करने होंगे, देश हित में कुछ ऐसे एक्शन करने होंगे जिससे हम देशवासियों को ये लगे कि वास्तव में टिक फॉर टैट की को हमने अडॉप्ट किया है और आतंकवाद के सफाई के लिए एक कदम मोदी जी चल रहे हैं। वास्तव में आतंकवाद की जो ये घटना है इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, कैसे ये सब हो रहा है, उसके जड़ में पहुंच के उसको नेस्तनाबूद करना होगा। हम सारे भारतवासियों की यही आशा है मोदी जी से।